सब्सक्राइब कीजिए मेरे स्मार्ट निटिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री में है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक ये पंजाबी जुत्ती बनाएंगे हम। पंजाबी जुत्ती के टाइप की ये सॉक्स है, इसे ऊन से बनाएंगे हम। ये देखिए, ये ऐसी बनी है, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा इसे डिफरेंट टाइप की बनाएंगे। ये सिंपल बनाई है, ये देखिए, यहाँ से ये ऐसी बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में वैसे छोटी लग रही है, लेकिन ये 7 नंबर के पैर में बहुत आसानी से आ जाती है। अब देखिए, चलिए बनाते हैं इसे। इसमें मैंने जो है 24 स्टिचेस लिए हैं। 24 स्टिचेस लेकर के 1 2 3 4 चार लाइनें मैंने सीधी सीधी बनाई हैं, मतलब कि 8 सिलाइयाँ हमने बना लेनी है। 24 स्टिचेस लेकर के 8 सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी बना लेनी है। 1 2 3 4 चार लाइनें। अब देखिए आगे हमने क्या करना है। देखिए, इसके लिए ये नॉर्मल ऊन है। नॉर्मल ऊन लेकर 10 नंबर की नीडल मैंने ली है। 10 नंबर की नीडल लेनी है, नॉर्मल वूल है ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बीच वाले जो 4 स्टिच है, देखिए ये बीच वाले 4 स्टिच जो हैं, इनमें हमने डिज़ाइन डालना है, धागा आगे करना है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना भी है और यहाँ पे डिज़ाइन भी डालना है। देखिए, इस वाले फंदे को पहले बनाएंगे और फर्स्ट वाले को हम बाद में बनाएंगे। देखिए ऐसे, ये फंदा इस तरफ आ गया और जो आगे वाला फंदा था वो पीछे की तरफ से बाद में आएगा। अब यहाँ से इस स्टिच को हम पीछे से बनाएंगे। देखिए, पीछे से बनाया और इसे हम आगे से बनाते हुए ऐसे आगे से बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से जाली बनानी है, धागे को आगे करके 10 फंदे हमने फिर से सीधे बनाने हैं। दस फंदे फिर से सीधे आ गए। अब देखिए आगे जो उल्टी रो है हमारी, देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाइयाँ जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। उल्टी सिलाइयाँ जो हैं सारी उल्टी उल्टी करनी है ऐसे। देखिए, एक सिलाई मैं आपको बना करके दिखाऊंगी और बाद में आपको उल्टी रोज़ जो है वो मैं बना करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उल्टी सिलाई जो है सारी उल्टी ही बनेगी। देखिए, ये जो जाली वाला फंदा है उसे हमने ऐसे बना लेना है और 4 फंदे फिर से, ये जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं वो भी हमारे उल्टे ही बनेंगे, मतलब कि सारी सिलाई हमारी जो है उल्टी बनेगी। इसमें कोई फंदा इधर उधर नहीं करना है, ना सीधा ना उल्टा, ना कोई घुमाना है। सारे फंदे अब सीधे उल्टे ही बनेंगे उल्टी रो में। ये देखिए ऐसे आएगा, ये देखिए जाली भी बन गई हमारी और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन चलेगा। तो सीधी रो में फिर से अब 11 फंदे बुने जाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जाली वाला फंदा भी हम इस तरफ बुनेंगे और यहाँ पे फिर से धागे को आगे करके। आप देखिए, ये हमारी डिब्बी पहले ऐसे खुली है, अब हम इसे बंद करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, ये वाला स्टिच को हम पहले बनाएंगे, धागे को आगे ही रखना है ताकि हमारी जाली भी बन जाए, और इस स्टिच को हमें बाद में बनाना है। देखिए ऐसे, अब यहाँ से इस वाले को पहले बनाना है और इस वाले को हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी डिब्बी सी बन के
रेडी हो जाती है ऐसे। अब जहाँ पे जाली बनानी है, सॉरी, यहाँ पे जाली बनानी है तो धागे को आगे करके सभी फंदे हमें सीधे बुनने हैं। और उल्टी रो हमारी उल्टी आए, देखिए सीधी सिलाई फिर से। जाली तक हमने फंदों को सीधे ही बुनना है। नहीं, जाली वाला फंदा भी हमें इस तरफ लाना है, ऐसे बना लेना है। फिर से धागे को हमें अपनी तरफ करना है और यहाँ से फिर से इस डिब्बी को खोलना है। ये देखिए, ऐसे पहले ये वाला फंदा बनाया, बाद में ये वाला बनाया, और दूसरी बार ये वाला फंदा बनाया और ये वाला फंदा बाद में बनाया। ये देखिए, पहले यहाँ पे डिब्बी हमारी खुली है, यहाँ पे बंद हुई है, यहाँ पे फिर से खुलेगी, आगे हमारी फिर से बंद होगी। धागे को आगे करके ये सारे फंदे सीधे और उल्टी रो हमारी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, यही डिज़ाइन हमें बनाते हुए जाना है और 7 जालियां हमने बनानी हैं। ये 1, 2 और 3, 3 जालियां हमारी बन के कम्प्लीट है। ऐसे ही करते हुए हमने 7 जालियां बना लेनी हैं। जैसे मैंने ये एक डिब्बी बताई, वैसे ही अब देखिए ये यहाँ से डिब्बी खुल रही है और आगे जा कर के इस सिलाई में हमारी जो है डिब्बी बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही करके आप 7 जालियां जो है बना लीजिए। मैं 7 जालियां बना करके आगे का प्रोसेस आपको फिर से दिखाती हूँ कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो हैं, ये देखिए 7 टाइम हमने जालियां बनाई हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 टाइम जालियां बनाने के बाद हमारे पास जो हैं 14 स्टिचेस जो हैं बड़े हैं, 7 इस साइड और 7 इस साइड। 14 स्टिचेस बनने के बाद हमारे पास जो हैं कुल हमारे पास स्टिचेस हैं 38। अब हमने क्या करना है, देखिए ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है, अब कोई जाली नहीं बनानी। ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। देखिए, अब देखिए इस डब्बी को, ये डब्बी हमारी खुल रही है, इस डिब्बिया को हम बंद कर देंगे यहाँ पे। इस वाले फंदे को पहले बुनेंगे और इस वाले को बाद में बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारी डिब्बिया जो है ऐसे, ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन बन गया है बीच में, और इसके आसपास जो है जालियों की हेल्प से हमारे जो है फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई को, बाकी फंदे भी हम सीधे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी सिलाई जो है सीधी हो कंप्लीट हो गई है बन करके। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये फंदे जो हैं उठाने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंदे उठाने हैं। देखिए, चाहे तो आप इसे केबल वाली नीडल में ले लीजिए फंदों को, चाहे आप इस सिलाई से दूसरी सिलाई से इसको, इन फंदों को ऐसे उठाइए। ये देखिए ऐसे, ये हर एक चेन में से एक फंदा हमारा आता है, तो एक चेन में से एक फंदे को हम उठाते हुए जाएंगे। देखिए, और इस सिलाई से दूसरी से इन्हें हम बना लेंगे। ये देखिए, ये तकरीबन सारे फंदे उठ गए, यहाँ से गैप है, तो यहाँ से हम फिर देख लेते हैं। ये देखिए, इन फंदों को हम यहाँ से ऐसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए, यहाँ से एक फंदा हमारा
और उठेगा, ये देखिए ऐसे। और लास्ट वाला फंदा जो है यहाँ से हम उठाएंगे इसे, लास्ट वाला फंदा हम देखिए ये फंदा हम उठाएंगे यहाँ से और इसे भी हम ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सभी फंदों को बुनते हुए जाना है, उल्टा मतलब कि बुनना है। ये देखिए रॉन्ग साइड है तो हम उल्टा सीधा बुनना है, सॉरी। ये जो है ये वाला पोर्शन अब बनेगा, सीधी सीधी सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बनेंगी। अब इन्हें सीधा बुनते हुए हम जाएंगे, इन सभी फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे। और दूसरी साइड से भी हमने, जैसे हमने इस साइड से फंदे उठाए हैं वैसे ही हम दूसरी साइड से भी फंदों को उठाएंगे। देखिए सीधे सीधे हम यहाँ तक बुन लेते हैं। अब देखिए इस साइड से भी हमने ऐसे ही फंदे, देखिए फ्रेंड्स इस सिलाई को ऐसे घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जो है इस सिलाई से, चाहे आप राउंड जो है केवल नीडल है इसमें आप सारे फंदे ले लीजिए, चाहे तो आप इससे ऐसे ही ऐसे फंदे उठा लीजिए। दोनों ही तरीके से आसान रहता है हमारा। देखिए ये ऐसे फंदे हम उठा लेंगे और इन्हें हम उल्टा उल्टा सीधा बुनेंगे, जैसे हमारी सिलाई जो चल रही है वैसे ही हम इसे बुनेंगे। देखिए ये बाहर की तरफ से उठाने हैं, देखिए ऐसे बाहर की तरफ से लेने हैं फंदे, ऐसे नहीं लेने हैं। बाहर की तरफ से लेंगे तो हमारे जो है एक जे चेन सी है वो हमारे अंदर की तरफ आएगी। ये एक फंदा जो है यहाँ से, ये देखिए अब हमारे जो है फंदे इसे हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे अपनी सिलाई को। ये सभी फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं जैसे हमारी सिलाई चल रही है सीधी। ये देखिए ये आगे हमारे ऐसे हमने फंदे उठाए हैं ये, और ये हमारी सिलाई जो है सीधी आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा वायर वाली नीडल लगा लेंगे, अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, नहीं तो जो सिंगल नीडल से भी काम चल जाता है। अब इसको जो है सीधा सीधा हम बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी सीधा बुन के हम इन सारे फंदों में हम देखिए नौ धारियां चाहे 10 धारियां आप 10 लाइनें आप बना लीजिए, 20 लाइनें चाहे 18-20 लाइनें, हमने 18-20 लाइनें हमने ऐसे सीधी सीधी बना करके कंप्लीट करना है जी। देखिए ये 18 या 20 लाइनें मैं बना करके सीधी सीधी आपको फिर से दिखाती हूँ कि आगे हमें कैसे बनाना है इसे। अब कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बनानी हैं। उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई आएगी हमारी और सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई आएगी, ऐसे ही करते हुए हमने 9 या 10 जो है लाइनें बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऐसे बनेगा हमारा। ये मैंने राउंड केबल नीडल में मैंने इसलिए डाले हैं फंदे ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखिए ये ऐसे बनेगा। ये ऐसी धारियां बनाते हुए हमने 9 या 10 धारियां हमने बना लेनी है। ये देखिए
देखिए ऐसे ही बनाते हुए सीधा सीधे सीधे उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी सीधा बनाते हुए हमने जाना है। जैसे ये लाइनें बनाई हुई हैं तो मैं सारी लाइनें बना करके आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इतना बन के कंप्लीट हो गया है। ये मैंने 9 धारियां बनाई हैं, 9 लाइंस बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी फंदे हैं उनका हमें हाफ इस सिलाई में लेने हैं, हाफ इस सिलाई में लेने हैं। दोनों को ऐसे फोल्ड करके, देखिए दोनों को ऐसे फोल्ड करके हमने इस धागे को यहाँ से काट लेना है और इन दोनों को यहाँ से बंद कर देना। चाहे तो आप सिलाई के साथ बंद कर दीजिए तीसरी सिलाई लेकर के इसे, जैसे हम 2 का 1 बनाते हुए जाते हैं, चाहे तो आप इसे सुई के साथ बंद कर सकते हैं। तो मैं सुई के साथ इसे बंद करूंगी। देखिए सुई के साथ हम बंद करेंगे इसे। ये फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम सीधे तरह से लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे उल्टा जैसे हम बुनते हैं इसे ऐसे लेंगे और इस वाले फंदे को फिर से इस सुई में लेंगे और इसे फिर से उतार देंगे। इस वाले फंदे को फिर से सुई में लेंगे और इसे उतार देंगे। इस फंदे को सुई में लेंगे और इसे उतार देंगे। देखिए ये छोड़ा हुआ फंदा है, इसे हम सुई में लेंगे और इस फंदे को साथ में लेके ऐसे उतारना है। अब इस फंदे को लेना है साथ और इस फंदे को ऐसे उतार देना है। अब इस वाले फंदे को लेना है और इस वाले फंदे को ऐसे लेकर के उतार देना है। ऐसे ही करते हुए ये देखिए ये हमारा सिलता जाएगा। सारे फंदों को हम ऐसे ही बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सारे फंदे नीचे से, ये देखिए ऐसे, ये सारे फंदों को हमने सुई के साथ बंद किया है। देखिए अब यहाँ पे इसे नोट लगा देंगे। तो जे वाला हिस्सा तो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक हिस्सा जो है हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 5 फंदे उठाने हैं। ये देखिए एक। अब देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हम आगे वाला जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से 5 फंदे उठाएंगे और यहाँ से 5 फंदे उठाएंगे, बाकी सारे फंदे यहाँ से ये भी हमें उठाने हैं, ये नीचे की साइड है। अब हम यहाँ से 5 फंदे उठाएंगे। ये देखिए एक फंदा तो यहाँ से उठाना है हमें और 4 फंदे हमें यहाँ से उठाने, 1 2 3 4। एक दो और ये 3 4 और यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे 5। बाकी सारे फंदे देखिए ये जो चेन सी हमें हमें दिख रही है, यहाँ से एक एक फंदा उठाते हुए हमने जाना है। कि यहाँ से लेकर के यहाँ से भी हमने 5 फंदे उठाने हैं। यहाँ तक फंदे उठा करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स ये फंदे उठाने के बाद हमें यहाँ से
देखिए एक सीधी सिलाई करनी है, जैसे हम सीधा बनाते हैं वैसे ही इसे बुनेंगे सीधा सीधा से। ये फंदे उठाने के बाद है हमारे पास जो हैं टोटल 28 फंदे हमने बनाए हैं। ये अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमें क्या करना है, पहला फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाना है। ये देखिए यहाँ से ये जो देखिए ये जो फंदा दिख रहा है, यहाँ से हमें फंदा उठाना है और इस वाली सिलाई में लेकर के से बुन लेना। मतलब कि एक फंदा हम इस साइड से बढ़ाएंगे और एक फंदा हम दूसरी साइड से बढ़ाएंगे। दोनों साइडों से एक एक फंदा हर एक सिलाई में बुनते हुए हमने जाना है। एक एक फंदा बढ़ाना है और उसे बुनते हुए जाना है हमें। हर एक सिलाई में दो फंदे हमारे बढ़ेंगे सीधी सिलाई में, एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से। दूसरी साइड से भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए ये सिलाई हमारी पूरी ऐसे ही जाएगी सीधी, सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हमें ये कंप्लीट करना होगा। और देखिए यहाँ से भी एक फंदा हमें बढ़ाना है, इस सिलाई में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से ये वाले फंदे को उठाएंगे और इसे बुन लेंगे, ये फंदा हमारा बढ़ेगा यहाँ से और बाकी सारी सिलाई हमारी सीधी होगी। सारी सिलाई हमारी सीधी बन के कंप्लीट होगी। देखिए ये बड़ा हुआ फंदा, इसे भी हम बुन के ऐसे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हम हो गया हमारा आगे का हिस्सा। अब इस वाले हिस्से को हमें इतना सा बना लेना है, ऐसे ही बढ़ाते हुए फंदे जाना है हमने जितना हमें चाहिए होगा। देखते हैं कितना बनेगा। ये देखिए ये छोटा सा बना है, इससे हम ज़्यादा बनाएंगे इसको, थोड़ी सी सिलाइयाँ हम इसमें ज़्यादा बनाएंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कितना बनाना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना बुन के, ये देखिए ऐसे आएगा, ये इतना बुन के कंप्लीट किया है। अब हम हाफ हाफ स्टिच दोनों साइडों में करके इसे बीच में से, देखिए बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से और दोनों को सिलाइयों की सहायता से हम बंद करेंगे इसके इसको। देखो देखिए ये इन दोनों को एक सिलाई में लिया, फिर से दो फंदों को एक सिलाई में लिया और इस वाले को इसके ऊपर से उतार देना है ऐसे। दो फंदों का एक किया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर से दो को इकट्ठा बुनना है, इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है, फिर से दो को इकट्ठे बुनना है और इसको इसके ऊपर से उतार देना है, फिर से दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेना है और इसको पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देना है। ऐसे ही करते हुए हमने सारे फंदे जो हैं अपने वाइंड ऑफ करने हैं। कैसे दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेते हुए जाना है, दोनों को इकट्ठा ही बनाना है। देखिए ऐसे एक फंदा इस सिलाई में से लिया, एक इसमें से,
दोनों का एक किया और इसको पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है, ऐसे ही करते हुए हम ये सारे, देखिए फ्रेंड्स ये सारे फंदे हमारे बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से धागा हम काटेंगे और इस धागे को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो है पंजाबी जुत्ती जो है बनके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये ऐसे बनेगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये डिज़ाइन ऐसा आएगा ऊपर से और ये हमारी जुत्ती जो है बनके कंप्लीट है। ये बहुत आसान और कम समय में बनने वाली जो है बनने वाली सॉक्स हैं, ये पंजाबी जुत्ती स्टाइल में है, ये बहुत कम समय में बनती है और बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखिए, थैंक यू वेरी मच।